सीमा जी हैं, सचिन भी इस वक्त हमारे साथ हैं, फ्रेम में दिख रहे हैं। और आज हरियाली तीज का दिन है और सीमा ने आज हरियाली तीज मनाई है। सीमा, हिंदुस्तान में आपकी ये पहली हरियाली तीज है, कैसा लगा आपको ये पहली हरियाली तीज मनाकर? क्या क्या किया आज आपने, ये बताइए। कितने लोगों ने मिलके जो है आज त्योहार मनाया आपके साथ? पहले तो हमने अपने परिवार के साथ मिलकर मनाया, और पर जो हमारे परिवार में और भी लोग हैं वो भी आए। हमने खीर बनाई, कचौरी बनाई, तो सब लोग आए थे मिलके। कोई मेरे लिए भी लेकर आ रहे हैं, मेरे पड़ोस के जो मेरे रिश्तेदार, हमारे रिश्तेदार हैं मीना समाज के, सारे पड़ोस लोग मेरे लिए सब खीर लेकर आ रहे हैं। कोई सब्जी लेकर आ रहे हैं, कचौरियाँ लेकर आ रहे हैं, आ रहे हैं। वो फिर मुझसे मिलकर जा रही है, यहाँ पुलिस वाले बैठे हुए, तुमको ज्यादा समय बैठने नहीं दे रहे, मुझसे होके फिर वो चले जा रहे हैं। बाकी हमने अपने परिवार के साथ मिलके मनाया है, और मम्मी तो अभी मंदिर गई। क्या बनाया, आपने ये क्या बताइए। बनाया आज? हमने खीर बनाई थी और आलू के पराठे बनाए थे। वो मुझे नहीं बनाने आते आलू के पराठे, क्योंकि वहां कोई भी नहीं खाता, मम्मी ने बना के खिलाया उसको। अच्छा, आम तौर पाकिस्तान में पर मैंने कभी नहीं खाए थे, कभी भी नहीं खाए थे, यहाँ इतने बढ़िया बनते हैं, और यही चीज मुझे सबसे ज्यादा फेवरेट है। अच्छा, आम तौर पर आप जिस घर में रह रही हैं अभी सचिन के साथ, रोज कितने लोगों का खाना बना रही है? कितने लोग, मतलब आपको लगता नहीं कि फैमिली बड़ी है और ज्यादा लोगों का खाना बनाना पड़ रहा है, ऐसा कुछ? मिलके बनाते हैं सब्जी, मैं सब्जी मुझसे ही बनवाते हैं, क्योंकि मम्मी पापा कहते हैं मच्छी बनाती हूँ, सब्जी मैं बनाती हूँ, रोटी भाभी बनाती है, बड़ी मेरी जिठानी है वो रोटी बनाती है, मिलके कर लेते हैं। और मम्मी भी अच्छी है हमारी, कोई अच्छी सब्जी बननी होती है तो वो मम्मी से बनवाते हैं, अच्छा कुछ बनाना होता है वो मम्मी से बनवाते हैं, बाकी सब मिलके करते हैं। ऐसा नहीं है ये मैं जो करती है वो कह दे तुम करो, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छा परिवार है हमारा, इनकी मम्मी और जो मेरी जिठानी है बहुत अच्छी है, अच्छा अच्छा बहुत अभी प्यार तक करते हैं, और मिलकर ही काम करते हैं हम, छोटा हो बड़ा हो, बर्तन धोना हो, झाड़ लगा, मिलके करते हैं, पता ही नहीं पड़ता कब काम हो। अच्छा, सचिन से मेरा सवाल है कि सचिन, जब आज आज मैंने देखा, वीडियो देखा आगे। हरियाणा की, पे आपको टीका लगाया, तो तो आपने जा रहे क्या हैं, आशीर्वाद दिया सीमा को? सवाल, आशीर्वाद आशीर्वाद दिया? खुश रहो। अरे आप कुछ बोलिए, दो लाइनों में नहीं, थोड़ा बताइए, समझाइए। बस क्या सर मैं कह रहा हूँ, एक शब्द आप बोलेंगे? बोल देते, थोड़ा बोलिए, बताइए, आप भी बोलिए थोड़ा। सीमा, आपकी भावनाओं का इतना बिल्कुल भंडार भर भर के पार करती हैं, इतने शब्द हैं उनके पास एक्सप्रेस करने के लिए, खुद को आपके लिए बोलते हैं, भी चार शब्द बोलिए। मैंने दो चार जगह शायरी करते हुए भी आपको शायरी देखा है शायरी सीमा करते जी हुए के सुना, कुछ लिए, शायरी वायरी हो जाए? पर भी आज दो लाइन सुनाइए सीमा जी के लिए। आज उन्होंने आपके लिए निर्जला व्रत रखा है। हम दोनों ने आज भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करी थी कि हम दोनों को बस साथ साथ बना रहे हम दोनों का, और हम दोनों हमेशा हमारा परिवार हम खुश रहे। बस एक बात बता दूं, आशीष भैया ये कैमरे क्या के कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई मैं आपको सही अच्छा, बता रही आप बड़े अच्छे से फेस कर लेती हैं कैमरे को। तो आप कुछ शायरी सुना दीजिए, आप ही कुछ सुना दीजिए, आज आज व्रत है, निर्जला व्रत है, आप क्या सुना दूं मैं भी अपने हस्बैंड के लिए जिसके लिए व्रत रखा, आप ही कुछ सुना दीजिए। सुना दूं मैं, मुझे तो थोड़े थोड़े आते हैं, मैं खुद गाने की चीज में बहुत लूज हूँ, थोड़ा तो थोड़ा सा गाऊं, जी जी एक ही गाऊंगी जो गाते पहले से, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्यार हमारा वही। प्यार हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जहां, मैं मुमताज हूँ तेरे ख्वाबों की, तू मेरा शाह जहां। मुझे बहुत अच्छा लगता है। सचिन कुछ, सचिन कुछ कुछ तो आप कुछ तो काउंटर करिए, कुछ तो आप भी बोल दीजिए, कुछ सुना दीजिए, ऐसे सचिन जाने नहीं देंगे, इन्हीं लाइनों को आगे बढ़ा दीजिए सचिन, ऐसे जाने नहीं देंगे, आज कुछ सुनाना पड़ेगा भाई, आज बहुत बड़ा पर्व है। मुझ पे नहीं आता सर गाना, कुछ थोड़ा सा थोड़ा। भूतनाथ फिल्म का आता है इनको गानों को गाते, ऐसे गाने आते हैं, और कोई भी सुना, कुछ भी सुना, कोई भी रोमांटिक सॉन्ग सुना दीजिए। नहीं सर मुझ पे नहीं आती। अच्छा, बताइए कि आपने बड़े अच्छे से गाने को बनाया और सुनाया, तो लगता है कि आप फिल्में बहुत देखती हैं। बहुत ज्यादा, ऐसी कोई फिल्म ना होगी सब शाहरुख खान या तो ऐसा होता है ना, फिल्में जब आप कहते हैं देखती हैं, फिल्में आप देखती हैं ना, तो फिल्मों में, इंडियन फिल्मों में तो अक्सर ऐसा होता है और देखा भी जाता है कि भाई जब पत्नी पति के लिए व्रत रखती है तो वो कहती है कि नहीं तुम भी मेरे साथ व्रत रखो, जितना मैं कर रही हूँ तुम भी मेरे लिए करो। आपने सचिन से कोई ऐसी जिद नहीं की आज? नहीं, ये बहुत कमजोर है तो मैं इनको नहीं कहती।
व्रत रखने के लिए, नहीं ये मतलब कमजोर भी और रह भी नहीं सकते भूखे प्यासे इतना ज्यादा, तो इनको मैं नहीं कहती। सीमा जी से तो हमारी बात हो ही रही है। अब जैसे मैंने करणी सेना का जिक्र भी किया, तो करणी सेना के जो करण ठाकुर है वो कह रहे हैं कि अब वो भी आपको एक नोटिस भेजेंगे। वही बात, अभी हमारी पिछली करणी सेना पे बाकी है, जो पद्मावत के आंदोलन में उनका केस लड़ा, पद्मावत फिल्म का लड़ा, आर्थिक आधार लड़ा, जो एक आंदोलन केस लड़े अभी बाकी है। ठीक है, अगर एपी से बात करके लोग वाहवाही लेते तो अच्छी बात है, तो खुशी की बात होनी चाहिए। एपी सिंह है इसके साथ, ऐसा डॉक्टर एपी एडवोकेट इस देश को मिला है के नाम से अगर कोई जुड़ के चलता है, शोहरत पाना चाहता, कोई बात नहीं, आपकी जो इच्छा सबकी करो, लेकिन अच्छा, मुझे एक तो एक चीज और टेक्निकल चीज समझना चाह रहा हूँ कि ये जो नोटिस आपने भेजा है मिथिलेश भाटी को, जैसा कि आप बता रहे हैं, इसका कोई टाइम फ्रेम होता है जवाब देने का? अगर वो कहते रहेंगे हमको मिला ही नहीं, मिला नहीं, तो कोई टाइम फ्रेम है नहीं? 15 दिन का टाइम होता है, अगर 15 दिन में वो रिप्लाई देंगे, 14 लिखा जाता है, 4 nights of the legal था, उसके बाद जवाब आता है पास, तो हम आगे का प्रोसीड। तो आपने कौन सी तारीख को भेजा नोटिस? हमने भेजा था ये 15 अगस्त शाम को, 15 अगस्त 16 को। यानी कि ये अगर वक्त है उनके पास इस नोटिस का जवाब देने के लिए, अगर नोटिस नहीं तो जवाब नहीं देते हैं तो फिर आगे की प्रोसेस क्या होती है या क्या करेंगे फिर आप? फिर आगे का उस आगे के प्रोसेस को करेंगे। तो उसमें क्या होता है फिर आगे? फिर आप कोर्ट मूव करेंगे? फाइल होता है, केस फाइल होता है। अच्छा, फिर आप केस फाइल करेंगे? केस फाइल होगा, वो दे देंगे जवाब। अभी तैयार कर रहे हैं, अभी लोगों की मदद मांग रहे हैं, ये लोगों की मदद ही तो मांगना है, जो बोली जाती है हमारे खिलाफ फौज, इसका मतलब अपने आप ही एहसास हो गया ना, मुझे मेरी ताकत का एहसास उन्होंने किया। मैंने आपको याद होगा जब मैं रघुपुरा गया था, याद होगा, और मैंने निवेद किया था कि जो रघुपुरा में मुझे सम्मान मिला वो मेरा सम्मान, सारी लीगल फैकल्टी का सम्मान है। मैंने बोला था ना, मैंने कहा था ना, मेरे लिए तो समाज, वकील, वकालत सबके लिए सम्मान है, लेकिन ये लोगों ने मुझे एहसास करा दिया कि आप बहुत पावरफुल एडवोकेट हैं, आपके लिए फौज खड़ी करनी पड़ती है एक अकेले व्यक्ति के लिए। ये अच्छी बात रही, अच्छी बात है आप लोगों के लिए भी, अच्छी बात है कि आपके चैनल पे समझिए कितना पावरफुल लहर है और जो जुड़ा हुआ है, नहीं जिसके लिए फौज इकट्ठी करी जाती है, इतने लोग इकट्ठे किए जाते हैं, तो बहुत बढ़िया बात है। एक नोटिस के जवाब देने के लिए अभी इतने दिन से अभी तैयारी हो रही है, इकट्ठे हो रहे हैं लोग, लोगों को बुलाया जा रहा है, जीत सत्य की होगी। हमारा देश महिलाओं को सुरक्षा संरक्षण देने का काम करता रहा है, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किला की प्राचीर से भी इस बार भी कहा कि हमारा देश ऐसा, दुनिया में सबसे ज्यादा पायलट अगर है तो महिला है, सोचिए आप, हमारी सीमा पर रक्षा में हो, चाहे सेना में हो, चाहे मेडिकल लाइन में हो, चाहे पॉलिटिक्स में हो, चाहे मेडिकल लाइन, वकालत, जुडिशरी, पत्रकारिता, आपका वीडियो फ्रीज हो गया है, अगर आप उसको ठीक करें। सीमा, मेरा आपसे एक सवाल ये है कि आपने आज वीडियो जारी किया और योगी जी और मोदी जी से मदद मांगी, क्या क्या उस क्या है, क्या उन्होंने, आपने उनसे क्या कहा, क्या अपील की है वीडियो में? अभी तो मैंने ये प्रार्थना ही करी है, जब पूजा करने से पहले मैंने वो वीडियो बनाई थी, मैं प्रार्थना कर रही हूँ, तो प्रार्थना कर रही थी कि बस जैसे हमारा देश हरियाली खुशहाली हो, इसकी प्रार्थना ही करी थी। और मैं आपके चैनल के थ्रू कह रही हूँ, मुझसे रिक्वेस्ट यही करूँगी कि मुझे यहाँ, मुझे, मैं बहुत खुश हूँ हिंदुस्तान में, बहुत खुश हूँ, यहाँ के रीति रिवाज बहुत अच्छे हैं, ऐसी चीज़ें वहाँ मुझे पाकिस्तान में कभी भी नहीं मिली थी, मुझे और मेरे बच्चों को यहाँ रहने दिया जाए, मेरे बच्चे स्कूल जाएँ, ये बहुत बड़ी चीज़ होगी। मैम, यहाँ सारे दिन छोटी बेटी हैं आपके साथ जो अभी इस वक्त है, ये छोटी बेटी है आपकी? मुन्नी, दाएं तरफ। क्या नाम है, क्या नाम है? मुन्नी, मुन्नी, मुन्नी नाम। मुन्नी नहीं, जब स्कूल भेजेंगी तो क्या नाम रखेंगी, सोचा है? तब भी मुन्नी, मुन्नी मीना तो है, मुन्नी मीना, परी मीना, प्रियंका मीना, राज मीना। वाह, अच्छा नाम, परी, प्रियंका और राज, बेटा। बिल्कुल यही नाम होंगे इनके।
पहले जब हम बात कर रहे थे सीमा जी, तो थोड़ा वीडियो ऑडियो फ्रीज हो रहा था। एक बार फिर से बता देंगे कि क्या कैसे आज त्योहार मनाया आपने, हरियाली तीज कैसे मनाई, आपके भगवान मैंने देखे घर में रखे हुए हैं, कौन कौन से आपके घर में भगवान रखे हुए हैं, किन किन को आपने पूजा, एक बार फिर से बता देंगे क्या? भगवान तो बहुत सारे हैं, राधा कृष्ण जी हैं और सीता मैया हैं, मतलब बहुत सारे भगवानों की मूर्तियां रखी हैं, मम्मी ने रख रखी हैं, गणेश जी हैं, कान्ता जी हैं और गौरी मैया की भी है, सबकी है। तो पूजा आज मैंने गौरी मैया और गणेश जी की करी है, स्पेशल सबकी वैसे करी है, स्पेशल उनकी भी करी है, सियाराम सबकी पूजा करी है मैंने। और भोग में क्या लगाया? भोग हम रोज रोजा करते हैं। भोग में क्या लगाया आपने? मिठाई बर्फी थी, बर्फी लगाई। जन्माष्टमी का त्योहार भी आने वाला है, मिठाई और हमारे इससे पहले बारे में पता है आपको? पता है जी भैया, जन्माष्टमी का त्योहार भी अभी आने वाला है, ऐसे ही धूमधाम से ऐसे ही पूरे रीति रिवाज का पालन करके मनाएंगे। जन्माष्टमी के बारे में सीख लिया आपने सीमा? अब सचिन की माता जी से जब पाकिस्तान में तब भी ये चीजें मनाया करती थी, अब तो मैं हिंदुस्तान में हूँ, अब तो खुल के मना सकती हूँ। अच्छा, पाकिस्तान में आप जन्माष्टमी मनाया करती थी? आपको पता है जन्माष्टमी मुझे जिन बार जैसे नवरात्र 9 दिन 9 माह माता की पूजा होती है, 9 दिन व्रत रखा जाता है, बच्चों को खाना खिलाया जाता है, ये चीजें हम थोड़ी बहुत वहाँ करते हैं, वहाँ खुल के कर ही नहीं सकते आप। तो यही मैं कहती थी, जब पाकिस्तान में थी तब भी करती थी, क्योंकि थोड़ा डर के छुटके, अब तो मैं खुल के कर सकती हूँ और बिल्कुल मैं मनाऊंगी, सारे त्यौहार मनाऊ। और ये चीज बहुत अच्छी है, जैसे हम 2 ईद मनाया करते थे पहले, यहाँ तो इतने सारे त्यौहार है। अब मम्मी बता रही थी कि आए दिन तुम्हें मेहंदी लगानी पड़ेगी, आए दिन तुम्हें तैयार होना पड़ेगी, आए दिन त्यौहार ही त्यौहार आने वाले हैं। तो बहुत अच्छा लगता है जान के भी, बहुत बहुत खुशी होती है। अच्छा, त्यौहार है हमारे। सीमा, आप सिंध से हैं, पाकिस्तान सिंध से हैं, क्या आपको पता है सिंध में ही हिंगलाज माता जी का मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है पाकिस्तान में, हिंगलाज माता जी का मंदिर जो दुर्गा चालीसा में आता है, हिंगलाज में बसी भवानी महिमा अम्मी नजात बखानी मा तंगी और मावन माता भुवनेश्वरी बंगला सुजाता श्री भैरव तारा जगतारणी छिन्न बाल भय दुख निहारणी। तो जो हिंगलाज माता का मंदिर है वो कराची, वो सिंध में ही है, आपके प्रांत में है, क्या आपको पता था ये? क्योंकि वहाँ हमें हिंदुओं से मिलने तक की इजाजत नहीं थी, बात करने की इजाजत भी नहीं थी, हमारे यहाँ वहाँ पाकिस्तान में जहाँ हम रहते हैं तो वहाँ हिंदुओं के साथ बैठा भी नहीं जाता, तो इन चीजों के बारे में पता। एक बार आप गूगल कर लीजिए, आप कितने हिंगलाज, आप जिन माता की आप पूजा कर रही हैं, वो हिंगलाज माता सिंध में आपके घर के कितने नजदीक है, एक बार गूगल करिएगा। बिल्कुल करूंगा। अच्छा, ये बताइए, यहाँ पर अभी आप घर से बाहर मंदिर जाती हैं आसपास की, या घर में ही करती हैं? अभी घर से बाहर जाने मंदिर कभी मंदिर नहीं गए। अच्छा, अब जब मंदिर जाने की बारी आएगी तो देखिए, काशी विश्वनाथ मंदिर है, वृंदावन आपके घर के पास में है, मथुरा वृंदावन, हरिद्वार है जहाँ शंकर जी को जल चढ़ाते हैं, तो सबसे पहले आप किन भगवान को जल चढ़ाएंगी या कहाँ किस मंदिर जाएंगी? सबसे पहले तो वैष्णो देवी पे जाऊंगी, उसके बाद राधा रानी, क्योंकि मैं बहुत बड़ी भक्त हूँ उनकी, राधा कृष्ण की, उनकी लव स्टोरी बहुत अच्छी लगती है, तो वहाँ भी जरूर जाऊंगी, बहुत सपना है मेरे, बहुत मन से मैं चाहती हूँ कि मंदिर वैष्णो देवी जाऊँ, ये बहुत सुन रखा है, कभी देखी नहीं, जाऊंगी जरूर, और राधा रानी यहाँ भी जाऊंगी। तो राधा जी की बड़ी भक्त है, तो मुझे लगता है जन्माष्टमी की खूब बड़ी तैयारी करेंगे आप फिर, क्योंकि जन्माष्टमी तो फिर का त्योहार है, तो फिर खूब तैयारी करेंगे, तब भी ऐसे साथ करूंगी और आप सबके साथ शेयर भी करूंगी। ठीक है, आप ये भी कुछ लोग कह रहे हैं, एक बात कहना चाहती हूँ भैया, कुछ लोग कह रहे हैं सीमा यहाँ के लिए दिखाने के लिए सब कर रही है, बाकी चीजें आप कहो, बाकी जो मैं पूजा कर रही हूँ या भगवान से अपनी मोहब्बत का दिखाना चाह रही हूँ, तो इस चीज को आप इस चीज में मत मिलाओ कि सीमा मतलब यह रहना चाहती है इसलिए इस तरह कर रही है, मैं रहूं या ना रहूं वो और बात है, ये मेरी पूजा है या मेरी मन से ये इस धर्म में आई हूँ, तो ये चीजें मैं इस चीजों को उन चीजों से नहीं जोड़ा जाए, बाकी चीजें आप कह सको भले कहो कोई इतराज नहीं, पर जो मैं भगवान की पूजा कर रही हूँ या क्या कि हाथ जोड़ रही हूँ, इस चीज को आप उस चीज से मत मिलाओ, ये नसीब की बात है, मैं ढूंढी जाऊंगी, ये मेरा जो मेरे नसीब में होगा वही होगा, तो इन चीजों को ना जोड़ा। सीमा, एक सवाल और, जो इजानी जी हैं, अमित जानी जी जो आप पर फिल्म बना रहे हैं,
आपसे क्या परमिशन ली है, क्या उन्होंने, क्या आप चाहती हैं कि अगर कोई फिल्म बन रही है मेरे पर तो क्या मेरे से परमिशन लेनी चाहिए? और यही सवाल मेरा एपी सर से भी है। पहले सीमा जी आप बताइए, फिर एपी सर से मैं आऊंगा आप पर। सर पहली बात तो जब वो मेरे पास आए थे तो पहले तो डॉक्टर सर का नाम लेकर आए थे, उसके बाद जब आए थे तो वो दूसरी फिल्म टेलर मर्डर स्टोरी इस तरह की फिल्म के नाम ले रहे थे। मेरी भी फिल्म बनेगी ये कोई बात नहीं करी, तो छोटी सी उन्होंने वीडियो बनाई थी वो भी सर के कहने से, क्योंकि सर से हमारे उस दिन बात ना हो पाई, रात को हमारी बात हुई थी तो सर के नाम से वो आए थे। और दूसरी बात ये कि जो बना रहे मेरी नाम से फिल्म, तो इस बारे में मुझे जानकारी भी नहीं थी, नेट टीवी न्यूज में पता पड़ी है। इससे आगे वकील साहब ही आपको जवाब। अच्छा एक सीमा एक और सवाल, अमित जानी जी ये कह रहे हैं कि इस आपसे रिलेटेड जो फिल्म बन रही है उसमें और जानकारी जुटाने के लिए वो गुलाम हैदर को भी सऊदी अरब से वीजा दिलवाने मदद कर रहे हैं इंडिया आने में। कह रहे हैं कि अगर आना चाहे तो मैं मदद कर सकता हूँ, तो ये सुनकर आपको क्या घबरा हुई क्या? मैंने सुना थोड़ा सा परेशान हुई इस बात को लेकर गुलाम यहाँ आएंगे तो। पहली बात तो मेरा हैदर से कोई ताल्लुक नहीं था, पाकिस्तान में रह के भी कोई ताल्लुक नहीं रहा था, तो यहाँ आके यहाँ आएंगे तो मेरे लिए ना आने जैसी बराबर बात होगी, क्योंकि मैं उनसे कोई मिलने वाले हूँ ना। रही बात वो जो कह रहे हैं कुछ लोग बच्चों की माँ भी मैं हूँ बाप, क्योंकि एक पाकिस्तानी यूट्यूबर का इंटरव्यू मैंने सुना सीमा, एक पाकिस्तानी यूट्यूबर के साथ वो इंटरव्यू कर रहे थे गुलाम, और उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मैं हिंदुस्तान के लिए वीजा मैंने लगा दिया है लेकिन कुछ दिक्कतें आ रही हैं, जब वो दिक्कतें दूर होंगी तो मैं जरूर आऊंगा, मैं नोएडा भी आऊंगा, मैं रघुपुरा जाऊंगा, अपने बच्चों से मिलूंगा और कोशिश ये करूंगा कि बच्चों को लेकर जाऊं। अगर वो आते हैं बच्चों से मिलने में आपको क्या आपत्ति है? बच्चों से मिलने आते हैं, अगर बच्चे उसके पास साथ जाते हैं, अगर मिलने आते हैं, देखने आते हैं कि ये पैदा हुई है, इतनी बड़ी हुई है, तो उन्होंने उनको देखा तक, इनको ही पापा मान, तो मुझे तो जो मेरा बड़ा बेटा है वो बस वो 3-4 साल का था, वो थोड़ा बहुत उसको याद हो तो वो बाकी किसी बच्चे को वो याद भी नहीं, तो उनको पहचाने नहीं। तो उन्होंने माँ भी माना, बाप भी मुझे माना, सुबह शाम मुझे देखा है मेरे बच्चों को, तो मुझे नहीं लगता मेरे तो ये कहते हैं मैं पिता हूँ, मैं बच्चे मेरे हैं, मैं तो बच्चों को साथ लेकर जाऊंगा, इसके लिए जो मुझे करना होगा मैं करूंगा, वो ये भी कह रहे हैं। आप तैयार हैं क्योंकि मुश्किलें आ सकती हैं तब? सर मुझे ऐसा यहाँ के कानून, पाकिस्तान का कानून भी ऐसा ही है, कोई भी कानून ऐसे बच्चे दूर नहीं कर सकता, और उसके पहले दो बच्चे हैं उनको वो उनका ख्याल रखे, उनको पढ़ाए, बेचारे वो स्कूल नहीं गए, कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा, जंगलों में रहते हैं, तो उनका ध्यान रखे। क्या मेरी बेटियों को भी जंगलों में रखना चाहते हैं वो? तो तीसरी शादी भी कर रहे हैं या कर चुके हैं, तो ऐसा वो वहां से बच्चे पैदा करेंगे, तो ऐसा कोई भी कानून नहीं जो मुझसे मेरे बच्चे छीने या किसी माँ से कोई बच्चे छीने। हाँ बड़े होते 12-10 साल 12 साल के तो और बात है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। ठीक है सीमा, हम यही दुआ भी करेंगे और हम यही गुजारिश भी करेंगे कि भाई जो हो आपके साथ अच्छा हो, माँ से बढ़कर बच्चों के बारे में कोई नहीं सोच सकता, आप जैसा सोच रही हैं अपने बच्चों के लिए ऐसा ही आपके साथ हो। और सिंह साहब एक आखिरी कमेंट आपसे, अमित जानी को लेकर जो सवाल उठ रहा था फिल्म को लेकर, वो कह रहे हैं कि मैं बायोपिक थोड़ी ना बना रहा हूं, मैं तो पाकिस्तान से हिंदुस्तान एक लेडी आती है इंसिडेंट में मैं फिल्म तो पब्लिक डोमेन में है, इसके लिए मुझे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, परमिशन तो के लिए जरूरत होती है, तो इसमें कोई आपत्ति होगी? नहीं आपत्ति है, सीमा की अभी जांच चल रही है, प्रभावित होती है, और देखिए जब वो गए मेरा नाम ऊंट मिले छत क्या धोखा किया, अच्छी बात थोड़ी। एक चर्चा चल रही है कि जो 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 जैसे मिथिलेश भाटी वगैरह जो 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 उन्होंने आप लोगों के लिए कहा, सचिन ने कोई FIR भी दर्ज करवाई है क्या? जी बिल्कुल करवाई है, क्योंकि इतनी बच्ची बड़ी बात हो गई, जो भी आता था इन पे हंसता था यार देख तेरे बारे में, इनके अपने दोस्त भी करे यार तेरे बारे में ऐसे कहे, हालांकि हमारे अपना मीना समाज या हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग इतने अच्छे हैं, सबने मेरे सर पे हाथ रखा है, किसी ने बहू, किसी ने बेटी, किसी ने भाभी, रिश्ते दिए हैं मुझे, किसी ने बहन, तो वो हमारे, पहली बात आप लोग एक सुन लीजिए, वो हमारे पड़ोस की नहीं है, हमारे पड़ोसी बहुत अच्छे हैं, पड़ोस के गांव की है वही है जो हमारे पे बाकी जिक्र कर रही है सीमा जी। आज तो आज जब आप वैसे, क्योंकि हिंदुस्तान में ऐसा कल्चर है कि जब हरियाली तीज आप मनाते हैं तो आज पड़ोस की महिलाएं सब मिलके बड़े अच्छे से, बहुत सौहार्द से, बहुत प्रेम से इस त्योहार को मनाती हैं, और ये भी दिखाती हैं एक दूसरे को कि देखो भाई मैं कैसे तैयार हुई हूँ, आज तुमसे सुंदर मैं लग रही, तो आज सब ऐसे ही मनाया? हम तो परिवार में ही है, सब मुझे आगे कह रहे अच्छी लग रही हो,
और मेरी जिठानी हम सब प्यार हुए, मेहंदी मेहंदी रात लगवाया, ऐसी कोई बात नहीं। यहाँ हर कोई अच्छा है, इंसान का मन अच्छा होना चाहिए। मुझे शक्ल सूरत की ये बात नहीं होती, इंसान का मन अच्छा होना चाहिए और इंसान अच्छा होना चाहिए, ये दो चीज पास होती। शक्ल सूरत कभी बिगड़ जाती है, कभी कैसे भी हो जाती है। जी जी सीमा जी, जब से एपी सर ने 13 अगस्त को आपका ओरिजिनल इंस्टाग्राम और यूट्यूब अकाउंट बताया है और जो एक क्यूआर कोड मतलब जारी किया था ओरिजिनल वाला, इसमें एपी सर का, एपी जी का मैं बहुत देखता हूँ कि उन्होंने जैसे उन्होंने बताया, तो कितना कुछ मदद आ रही है उसमें? जी बिल्कुल आ रही है, हमारे बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत प्यार करने वाले लोग हैं, ऐसा नहीं कह रही कि बहुत ज्यादा, थोड़ी थोड़ी सही, बस सब सपोर्ट कर रहे हैं, सब साथ दे रहे हैं, सबका धन्यवाद, थैंक यू कहूंगी। और हमारे यूट्यूब के जब से सर ने बताया है सबको, तो 2 लाख होने वाले सब्सक्राइबर हमारे, पहले तो कुछ हजार ही थे, जब से सर ने बताया, सर का बहुत बहुत धन्यवाद, तब से हमारे अब 2 लाख तक होने वाले हमारे। ठीक है, आपसे पूछेंगे नहीं कितने होने वाले, उसको पर्सनल आप रखिए, प्राइवेट रखिए, हमको नहीं पूछना कितने हैं। एपी सर के पास मैं आ रहा हूँ, एपी सर, सीमा ने अभी बताया कि उनको प्यार करने वाले, मदद करने वाले, हर तरीके से हेल्प करने वाले भी बहुत लोग हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो कि अगेंस्ट में हैं, विरोध में हैं। मिथिलेश भाटी का नाम तो नहीं, उनको हमने पिछले दिनों देखा था कि वकीलों की एक फौज भी उनके साथ आ गई थी, अब करणी सेना वाले भी उनके साथ आ गए। आज करणी सेना के जो जिलाध्यक्ष हैं और प्रदेश अध्यक्ष हैं, बल्कि करण ठाकुर, वो भी घर पहुंचे हैं और वो अब मिथिलेश भाटी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो सपोर्ट उनका भी बढ़ता जा रहा है। हमें सपोर्ट उनका नहीं है, किसी का सपोर्ट नहीं, मीडिया में चलने की ख्वाहिशें हैं, सस्ती लोकप्रियता का तरीका है, कोई सपोर्ट नहीं। कौन हमारे जो संस्कृति है, कौन कह देगा, कौन हमारी बहन बेटी बात कह देगा, कौन हमारी बेटी के, बहन बेटी के हाथ में राष्ट्रीय ध्वज को लेके उसे मारने की बात कर देगा, कौन हमारी बहन बेटी, हमारे बच्चे हिंदुस्तान का नारा लगा रहे हैं, भारत जिंदाबाद कर रहे हैं, भारत माता की जय, किसको कौन निकाल देगा, कहां के बात करते हो, कोई खिलाफ नहीं है, सब थोड़ी सी किस पक्ष से कैसे क्या चले, ये चलने की इच्छाओं का मामला है बस, और जांच चल रही है, जब जांच हो जाएगी तो सबको पता चल जाएगा, सबको एक दिन पछताना पड़ेगा, दुख होगा कि अरे मैंने तो गलत रॉन्ग नंबर मिला लिया था, मैंने तो गलत कर लिया था। निश्चित तौर पर देखिए प्यार का देश, ये बेटी बचाओ पढ़ाओ वसुधैव कुटुंबकम का देश है, ये सेना के नाम देना है, कौन इस देवी को, कौन इन 3 देवियों को जो इसके साथ आई है बेटा, उनके लिए गलत कर देगा, कोई नहीं गलत करेगा। ठीक है सर, क्योंकि ये लिंक एक्सपायर होने वाला है, सिर्फ आखिर में एक सवाल आपसे ये कि अगर गुलाम हैदर हिंदुस्तान आते हैं तो उसके लिए तैयार हैं आप? मैं तो सबके, भारत तो वसुधैव के लिए मन, ठीक है सर, ठीक है सर, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए।